S1 का क्या करना है, यूनियन लेना है। जब भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे उनका यूनियन लेना है, दो सॉल्यूशन मिलेंगे तो उनका यूनियन लेना है, तो दोनों सॉल्यूशन का यूनियन ले लिया, S1 यूनियन S2, ठीक है। ये बोल रहा है -1 से 3 और ये बोल रहा है -3/2 से -1, है ना। तो यूनियन मतलब कॉमन नहीं होता, इंटरसेक्शन नहीं होता, सब पूरा पार्ट यूनियन मतलब, है ना। देख लो -1 3 -1, यहाँ पे 3 माइनस, ये -1 3 -3/2 -3/2 -3/2, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 ले लो, -3/2 -3/2 -1, मतलब ये वाला रीजन कवर करना है, और -1 से 3 -1 से 3 ये वाला रीजन। तो देखो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये है ना, डबल मार्कर चलना मतलब इंटरसेक्शन। तो मेरा इसका सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू -3/2 से -1, ठीक है ना। तो यूनियन 1 से लेके -1 से लेके 3, ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन, S1 और S2 का यूनियन आ गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, है ना, मतलब वो -3/2 से -3 एक्सेप्ट 0, ठीक है, यहाँ पे 0 भी होना चाहिए यार, -3/2 से -1 -1, हाँ ठीक है चलेगा, इतना हो गया मेरा, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा ना, देख लेते हैं, 0, हाँ इतना हो गया मेरा, ये मेरा दोनों का यूनियन आ गया। अब जो भी यूनियन आया S1 S2 का, उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि जो आंसर आएगा ना इनइक्वालिटी का, वो डोमेन के अंदर ही से आएगा, तो ये जो आया है ना इसका इंटरसेक्शन लो डोमेन के साथ, ठीक है। डोमेन बोला है -3/2 से इंफिनिटी, -3/2, है ना, कौन कौन से नंबर है सब पुट कर लो, सब में दोनों में -3/2 है, -1 है, 0 है, ठीक है, और क्या है, 3 है ना। ये बोल रहा है -3/2 से इंफिनिटी, ये दोनों को छोड़ के, इन दोनों को लीव करना है, तो -3/2 से इंफिनिटी चला गया, -1 और 0 को छोड़ना है, ठीक है, तो -3/2 से इंफिनिटी गया। ये बोल रहा है -3/2 से -1, -3/2 से -1, -3/2 से -1, मतलब ये, ठीक है, और ये बोल रहा है -1 से 3, -1 से 3 ये। अब देखो ध्यान से देखो, मार्कर दो बार कहाँ चल रहा है, यहां पे चल रहा है ना, इतने रीजन में देखो, इतने रीजन में मार्कर दो बार चला, -3/2 से -3/2 से 3 के बीच में, लेकिन यहाँ पे कौन से नंबर इन्वॉल्व नहीं करने हैं, 0 और -1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बिलोंग्स टू -3/2 से 3, लेकिन कौन से नंबर छोड़ना है, -1 और 0 को छोड़ना है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया इनइक्वालिटी का। देखो बोलो समझ गया, है ना। ठीक है, जिसको अगर बाय चांस थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है लॉक का, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन है, मेरे ख्याल से आयुष, देवश्री, उजैब, जय, मंजीरी और ऋतिक, जो कुछ है ना उनको, उनको मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं तुमको लॉक का पूरा प्लेलिस्ट भेज दूंगा, अगर तुम वो पूरा प्लेलिस्ट देख ले तो ना तुम्हारा एक एक आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं लेक्चर के एंड में तुमको व्हाट्सअप नंबर दूंगा, तो मेरे को प्लेलिस्ट मांग लेना लॉक का, और वो तुम देख लेना पूरा अच्छे से, तो तुम्हारे का पूरा आइडिया क्लियर हो जाए कि लॉग होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, आई होप सॉल्व समझ समझ गया होगा, राइट, है ना, ऐसे सॉल्व करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। पहले वाली इनइक्वालिटी से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी तो चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ऐसे प्रॉब्लम में विश्वास रखता हूँ जो किसी का फायदा हो सके उसमें, इजी इजी करा के किसी का, और तुम ना ज्यादा वो मत सोचो कि तुमको मैथ्स में जो भी तुम्हारे कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है ना वो तुम बेसिक पढ़ रहे हो, एक बात याद रखो, डोंट कंपेयर दिस मैथ्स विद योर स्कूल मैथ्स, कॉलेज मैथ्स, कॉलेज और इस मैथ्स में जमीन आसमान का फर्क है, ये चीजें तुम,
ये चीज, ये मैथ्स तुम अपने टीचर्स को दोगे जाके ना, कॉलेज वाले टीचर्स को, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उनको लॉग का सॉल्व करना, ये करना। ये बहुत हायर लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि भाई ये अपना उस स्कूल में ये चल रहा है, अपना ये हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद चालू करूंगा मैं, ठीक है? लॉग के बाद एक सिक्वेंस होता है आईआईटी जेई का ना, पहले बात सुन लो। आईआईटी जेई जब पढ़ते हैं अपन सिलेबस, तो कुछ सिक्वेंस होता है, उस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। कहीं पे भी कौन सा चैप्टर उठा नहीं सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है? सब चैप्टर लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, मतलब कोई भी चैप्टर कहीं से उठा लिए, टेंथ नहीं है, कोई भी चैप्टर उठा लिए सब अंडा स्टार्ट हो गया, नहीं। अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया तुमको डायरेक्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री में लॉग का भी यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में लॉग भी यूज होता है। अब तुम लॉग बोलोगे सर लॉग कहाँ से है, अगर लॉग पढ़ा नहीं होता डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो तुम बोलो तुमको समझेगा क्या, नहीं। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में डायरेक्ट पढ़ा देते ट्रिग्नोमेट्री, लॉग नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो स्टेट बोर्ड का सिलेबस कवर करते बस, उनको पता नहीं है लॉग क्या सिक्वेंस होता है, क्या होता है ना, डिफरेंस है बहुत। समझिए मेरी बात, ठीक है? लगता देवेश्री है इस क्लास में, बाकी सब सो रहे लगता। समझ रहे हो? हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाऊंगा तब देखो, तुम्हारा जो कॉलेज में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं वो पूरा पढ़ लेना, और मेरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना आखिरी में। जय, आखिरी में जो भी आंसर आएगा ना, आखिरी में सॉल्यूशन S1 और S2 का यूनियन लेना, और जो फाइनल आंसर आएगा यूनियन का, यूनियन लेने के बाद जो आंसर आएगा उसका और डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है, समझ गए? जो कुछ आंसर आएगा ना वो डोमेन के अंदर ही आंसर आता है, इनइक्वालिटी का आंसर इसके अंदर ही आएगा, डोमेन के अंदर। तो जो फाइनल आंसर आएगा यूनियन लेने के बाद उसका और डोमेन के साथ, उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है जय? ओके, हाँ। अपन ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? अपन कॉलेज में कॉम्पीट करने के लिए नहीं पढ़ रहे, याद रखो। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में जो कुछ है वो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो कंपेयर कर लेना, जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें और इसमें, ठीक है? तो बस फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे, ज्यादा ध्यान भटकाओ मत। चलो आगे बढ़ते हैं, वो तुमको समझ जाएगा थोड़े जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन में भी समझ गया होगा समझने वाले को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है लॉग को सॉल्व करना है। लॉग 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1, ठीक है? ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। अब मेरी बात याद रखो, मैं क्या बोलता हूं पता है, मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी लॉग के बेस में वेरिएबल आएगा ना तभी केसेस बनेंगे, बाद में केसेस नहीं बनेंगे, है ना? ये एक नोट कर लो, नोट क्या करना है, when there is variable in base then only divide into cases. पहला केस क्या होगा, बेस ग्रेटर देन 1, सेकेंड बेस 1 और 0 के बीच में। पहले ये नोट लिख लो एक, ठीक है? ताकि कभी जब पढ़ोगे इस लाखरी में कभी तो ये याद होना चाहिए कि केसेस बनाना कब है, जब बेस में वेरिएबल होगा तभी केस बनेगा। अगर यहाँ पे बेस 2 होता सिर्फ तो केस नहीं बनता, यहाँ पे 2x है तो 2x एक वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि 2x का x का वैल्यू अगर 2 हो गया तो वो चेंज होता रहेगा वैल्यू, ठीक है? ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? नोट डाउन कर लो, ये कर लिया नोट डाउन, ठीक है? चलो रब कर देता हूं, ठीक है? पता होना चाहिए अपन पढ़ क्यों रहे सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अपन ये सिलेबस इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपन ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर सके, समझ गए? ऐसा है। चलो ये सॉल्व करते हैं। पहले जब भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो पहले डोमेन फाइंड करना है,
ठीक है। तो डोमेन के लिए मैंने तुमको बोला है पहली चीज के जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड चीज बेस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तीसरा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी आर्ग्यूमेंट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब यहां से क्या आ गया, टू एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो क्योंकि टू डिवाइड में चला जाएगा जीरो के, इसका मतलब क्या होता है टू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन बाई टू, है ना, वन बाई टू नहीं होना चाहिए एक्स। इसके फैक्टर निकलते क्या चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के फैक्टर निकलते देखते हैं, माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, तो x कॉमन x माइनस थ्री माइनस टू कॉमन x माइनस थ्री निकलते हैं, क्या निकलते हैं x माइनस थ्री x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन, नहीं नहीं नंबर लाइन पे पुट करो, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन पुट करने के बाद थ्री है यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इनफिनिटी, ऐसा आ गया। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या है देख लो, जीरो है यहाँ पे क्या है टू है और क्या है थ्री है ना, और ये वन बाय टू भी है बीच में, ठीक है, जीरो और बीच में वन बाय टू, बट वन बाई टू वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो उस पर गोला मार दिया, x ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे चले गए, ये बोल रहा है माइनस इनफिनिटी से टू, तो माइनस इनफिनिटी से टू ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है थ्री से इनफिनिटी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी दो बार मार्कर चल गया, कहाँ पे दो बार मार्कर चला, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो क्या लिख दूंगा x बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन बाय टू यूनियन वन बाय टू से लेके टू यूनियन थ्री से लेके इनफिनिटी, ये मेरा डोमेन आ गया, जीरो से लेके वन बाय टू वन बाय टू से लेके टू यूनियन थ्री से इनफिनिटी, जहां पे दो बार मार्कर चला, इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब ये सब मिटा देते, डोमेन फाइंड कर लिया, ठीक है, डोमेन को लिख देते यहाँ पे, क्या डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से वन बाय टू वन बाय टू से टू यूनियन थ्री से इनफिनिटी, ये मेरा डोमेन हो गया। इसके मतलब इसका डोमेन फाइंड करना मतलब इसके अंदर ही आंसर आएगा, इसके बाहर आंसर नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो मेरा फाइंड कर लिया मैंने डोमेन, ठीक है, ये भी मिटा दो, वो तो डोमेन फाइंड करने के लिए लिखा था बस। अब केसेस लेते हैं, पहला केस कि जब बेस वन से बड़ा होगा तो टू एक्स ग्रेटर देन वन मतलब एक्स ग्रेटर देन वन बाई टू, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो लॉग टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन वन, वन से बड़ा बेस है तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, टू एक्स रेस टू वन टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो, प्लस टू एक्स इधर आया तो माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन एक्स, इसके फैक्टर निकलते क्या एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस सिक्स लेस देन जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस सिक्स माइनस वन कॉमन एक्स माइनस सिक्स, तो इसके फैक्टर क्या आ गया मेरे पास एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, तो इसका मतलब x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6, है ना, इसका आगे x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6। अब क्या करना है इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है, ये केस में और इसमें इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लोगे ना तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा s1 वो आ जाएगा 1 से लेके 6, ठीक है, दोनों में इंटरसेक्शन देख लेना, ये आएगा 1 से लेके 6, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन s1 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है जब भी बेस वन और जीरो के बीच में होगी, ठीक है, केस टू,
केस टू है ना, तो वन इसके बीच में होगी तो टू से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, टू टू कैंसिल, जीरो एक्स वन बाई टू, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू जीरो से लेके वन बाई टू, ठीक है ऐसा हो गया। अब वापस से सॉल्व कर लो इसको, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन वन, ठीक है लॉग कैंसिल करेंगे। अब लॉग कैंसिल करेंगे तो तुमको पता है साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा क्योंकि बेस वन से छोटा है, तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है डायरेक्ट लिख दिया मैंने ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लेस देन जीरो आ रहा था, तो इसके फैक्टर क्या थे मेरे, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, नंबर लाइन पे पुट करते वन और सिक्स प्लस माइनस प्लस, ठीक है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन सिक्स से लेके इंफिनिटी। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लो, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या बोल रहा है, जीरो यहाँ पे वन बाई टू, यहाँ पे कहीं पे वन और यहाँ पे कहीं पे सिक्स, जीरो से वन बाई टू ये वाला पार्ट हो गया, माइनस इंफिनिटी से वन तो यहाँ पे मार्कर चल गया दो बार, और ये बोल रहा सिक्स से इंफिनिटी, सिक्स से इंफिनिटी है तो कहाँ पे चल गया दो बार मार्कर, इसके बीच में, तो x बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई टू, ये तुम्हारा एस टू हो गया, आ गया सोल्यूशन एस टू। अब दोनों सोल्यूशन का क्या करना है तुमको, इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, सोल्यूशन एस वन यूनियन एस टू ले लो, ठीक है तो एस वन बोल रहा है वन से सिक्स, ये वन यहाँ पे कहीं पे सिक्स, यहाँ पे कहीं पे जीरो और यहाँ पे वन बाई टू, तो ये बोल रहा है वन से सिक्स का रीजन कवर करो और ये बोल रहा है जीरो से वन बाई टू, ठीक है तो मैं कैसे लिख दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई टू यूनियन वन से लेके सिक्स, ये मेरा यूनियन आ गया, ठीक है। अब यूनियन का इंटरसेक्शन लेना है डोमेन के साथ, इसके साथ है ना, तो एस वन यूनियन एस टू इसका इंटरसेक्शन लेना है डोमेन के साथ, डोमेन के साथ, ठीक है तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, पहले डोमेन के वैल्यूज पुट कर दो, जीरो है वन बाय टू है टू भी है और थ्री भी है, इसमें भी है वन वन यहां पे ले लो और यहां पे सिक्स है सिक्स ये ले लो, सब वैल्यूज आ गए जीरो वन बाय टू वन टू थ्री सिक्स सब आ गए वैल्यू। अब देखो ये बोल रहा है जीरो से वन बाय टू, ये बोल रहा है वन से लेके सिक्स, वन से लेके सिक्स मतलब ये ठीक है, ये बोल रहा है जीरो से वन बाय टू, जीरो से वन बाय टू मतलब ये दो बार चला मार्कर यहाँ पे दो बार, और ये बोल रहा है वन बाय टू से टू, वन बाय टू से टू मतलब ये, मतलब यहाँ पे भी दो बार मार्कर चला वन से लेके टू तक दो बार मार्कर चला, और ये बोल रहा है थ्री से इंफिनिटी मतलब यहाँ पे, ठीक है तो देखो मार्कर कहाँ पे चला दो बार, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू जीरो से वन बाई टू यूनियन वन से लेके टू यूनियन थ्री से लेके सिक्स, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बोलो तरीका समझ गया क्या। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, तुमको धीरे 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 और समझता जाएगा, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग राइट, है ना, ऑल यस क्लियर है चिराग, मैं तेरे डाउट्स कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है आज मेरा ध्यान में नहीं रहा और थोड़ी तबीयत भी खराब है, थोड़ा आवाज नहीं निकल रहा है, तो मंडे को अच्छे से फ्रेशली स्टार्ट करूंगा, ठीक है वापस से तुम्हारे क्वेश्चंस, ना तो चिराग मैं सॉल्व करके भेज दूंगा तेको, ठीक है तो वो तू समझ लेना, ओके चिराग। हाँ और किसी को कुछ भी डाउट रहे ना रिलेटेड मैथ से, दूसरा भी रिलेटेड रहे ना कि जेई क्यू लू सर क्यू लेना है क्या है, वो पूछो बिंदास मेरे से, ठीक है क्यों पढ़ रहे हो उसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये हो गया अपना, ठीक है तो आज का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, कल अपन आगे पढ़ेंगे इसके, ठीक है कल जब भी मंडे को क्लास होगा तो इसके आगे करेंगे, ठीक है बाय बाय। सर वो साइन ऑफ इक्वालिटी कैसे चेंज हुआ, देख मैं बताऊं क्या, जय जाने देंगे, मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा बोलता हूं जय, जैसे लॉग, जैसे मैंने बोला लॉग टू टू द बेस टू
ग्रेटर देन जीरो, सही है, लॉग टू टू द बेस टू ग्रेटर देन जीरो, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला तो लॉग वन बाय टू द बेस टू ग्रेटर देन जीरो। अब देख ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे बेस वन से कम है। देखो पता वन बाय टू को लिख सकता हूं मैं टू रेस टू माइनस वन, तो टू रेस टू माइनस वन तो ये तो टू हो गया और आगे आ गया माइनस। देख मैंने अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा लॉग टू टू द बेस टू, ठीक है। अरे एक सेकंड गलत कर दिया ना, देख लॉग टू टू द बेस टू मतलब वैल्यू वन होता है, वन ग्रेटर देन जीरो, लेकिन लॉग वन बाय टू द बेस टू वो लेस देन जीरो होता है। क्यों लेस देन जीरो होता है देख ले, इसका वैल्यू तो निकालेगा ना लॉग टू टू द बेस वन बाय टू, देखो टू और वन बाय टू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस वन, समझ गए ना। इसका आंसर टू और वन बाय टू का आंसर कितना आता है माइनस वन, सिखाया ना माइनस वन आता है क्या, वन आता है, हाँ माइनस वन, ठीक है। तो देखो माइनस वन इज लेस देन जीरो। जब भी बेस लॉग का वन से छोटा होगा, जब भी लॉग का बेस वन से छोटा होगा और अगर लॉग कैंसिल करेंगे ना तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होता है, समझ गया, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। हाँ बस ठीक है, याद रखो ये चीज, लॉग टू टू द बेस वन बाई टू कितना होता है माइनस वन, और माइनस वन इज लेस देन जीरो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस वन छोटा ही होता है जीरो से, है ना। तो इसलिए साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होता है। यहां पे देखो यहां पे बेस क्या है टू है तो ग्रेटर देन जीरो, अगर बेस वन बाय टू आ गया तो देखो लेस देन जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि बेस वन से कम है और बेस वन से कम होता है इसका मतलब साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज होता है लॉग का, ठीक है। चलो हो गया जय, वापस से समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में अगर अभी कुछ डाउट है तो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।